Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to start a chapter new All Human Beings Are Equal of Civics. Starting from the first paragraph, we have read in the earlier chapter what diversity is. We also know how geography influences us and our habits. At times we meet people who are very different from us. Some people make fun of those who are different. दे डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अगेंस्ट सच पीपल बिकॉज दे फील सेफ विथ ओनली दोज हु टॉक ड्रेस एंड थिंक लाइक दैम बच्चों इसके पहले हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट में डाइवर्सटी विभिन्नताओं से भरे अपने देश के बारे में पढ़ा उसके बाद जोग्राफी का हमारी आदतों पर हाँ, हमारे क्लोथ्स पे हमारे फूड पर क्या इन्फ्लुंसेस हैं इनको जाना तो इसमें यह कहा कि जब हम अपने से अलग लोगों से मिलते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जब वो किसी डिफरेंट मतलब अपने जो उनसे अलग हों डिफ़रेंट हों उनसे मिलते हैं तो उनका मज़ाक उड़ाते हैं उनके लिए नेगेटिव एटीट्यूड्स रखते हैं या ऐसे ओपिनियंस रखते हैं उनके अगेंस्ट की जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो भाई किसी को भी तकलीफ़ होगी अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बात बोलेगा तो आपको भी तकलीफ़ होगी ही और ऐसा वो लोग करते क्यों है पता है क्योंकि वो उन लोगों के साथ ज़्यादा सेफ़ महसूस करते हैं जो उनकी तरह हैं अब जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में ले लीजिए सपोज क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों की सबसे दोस्ती ही होती है तो कभी कभी क्या होता है हम अपने फ्रेंड के साथ मिलके किसी दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाते हैं या कुछ ऐसे आ, कमेंट करते हैं कि जिससे उसको बुरा लगता है और उसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जो उनकी तरह होता है प्रिजडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्जिस्ट एट बोथ द इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल टू गेट रीड ऑफ ब्रिजडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. वी मस्ट डील विथ एग्जिस्टिंग बिलीवस इन सोसाइटी देखिए पश्चपात हो या भेदभाव ये दोनों एक इंडिविजुअल चाहे पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे या सोशल लेवल पर दोनों पर एग्जिस्ट करता और इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि जो समाज में रीतियाँ सोच चल रही हैं उनको बदलना पड़ेगा जो लोगों के विचार हैं उनको बदलना पड़ेगा अब हाँ विचार बदलने के लिए आप नॉन वायलेंस का यूज़ नहीं कर सकते बट आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं उनको समझा सकते हैं इस तरह से आप उनके विचारों को बदल सकते हैं स्टार्टिंग करेंगे अगर हम प्रिजडाइज से प्रोजडाइज की डेफिनेशन से चलते हैं प्रोजडाइज इज अनरी रीजन डिसलाइक अन रिजनेबल्स डिसलाइक फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और प्रेफरेंस फॉर वन ग्रुप अनदर अनदर देखिए इन्होंने कहा है कि प्रिजडाइज का मतलब होता है बिना किसी वजह से किसी से किसी को ना पसंद करना किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ना पसंद करना और किसी दूसरे ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देना उनकी अपेक्षा अब बहुत सारे नेगेटिव uh, एटीट्यूड्स भी होते हैं ओपिनियंस होते हैं अलग अलग लोगों के लिए और इसका मेन रीज़न होता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीजन रेस या नेशनलिटी से बिलोंग करता है इसलिए जैसे मान के चलिए अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच की कोई भी मैच होती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि ये एक स्पोर्ट्स हैं और ऐसा बिहेव करते हैं या ऐसे कमेंट्स पास करते हैं सोशल मीडियाज पे या एक दूसरे से कि जैसे वो सामने वो कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सब क्रिमिनल ही हैं जबकि ऐसा थोड़ी होता है बेटा तो किसी किसी की ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहाँ की जो पब्लिक है वो खुद वहाँ परेशान है वहाँ के लोगों से वहाँ के मैनेजमेंट से ऐसा भी तो हो सकता है बट हम करते क्या हैं हम लोगों के प्रति ओपिनियंस पास कर देते हैं बिना सोचे समझे प्रिजडाइज इन वोक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू चेंज प्रिजडाइज कैन भी गाइडेड बाई द कलर ऑफ स्किन और द एशियन इन विच द पर्सन स्पीक्स टू clothes they wear. पीपल people often हर्ट अदर पीपल्स फ्री देखिए prejudice जो होता है किसी मतलब किसी को ना पसंद करना एक तरह से आप समझ लीजिए उसका ये prejudice जो होता है ये होता कैसे मतलब क्यों लोग क्यों किसी को ना पसंद करते हैं या तो हो सकता है उनके कलर को लेकर भाई होता है ऐसी भी लोग मैंटिलिटी होती हैं कि आ, किसी पर्टिकुलर कलर uh, या मतलब कल जैसे रेकिज़म जैसे कहते हैं कि जो ब्लैक होता है ब्लैक कलर को ना पसंद करना वाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना स्किन कलर की बात कर रही हूँ मैं और या किसी पर्टिकुलर पर्सन से या उनके क्लोथ से या उनके ट्रेडिशंस को ना पसंद करना तो ये प्रिजिडाइज को मतलब बढ़ावा देता है और जो जो लोग प्रजिडाइज पीपल होते हैं जो किसी को ना पसंद करते हैं वो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते सेकेंड में कहा गया है डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजिडाइज इट मीन्स ट्रीटिंग अदर पीपल ब्लैडली नॉट अलाउिइंग दैम टू पार्टिसिपेट इन सर्टन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू वर्क और लिविंग इन द सर्टन नेबरहुड्स और डिनाइंग दैम द थिंग्स टू विच दे आर एंटाइटल टू बाई राइट एंड लॉ फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजिज समीपल आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द विलेज वेल देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एक तरह से भेदभाव भेदभाव का मतलब यहाँ ये यह यह कहा गया कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन ऑन द ग्रुप बेस किसी को ना पसंद करने जैसे प्रिजिडाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजडाइज इसलिए कहा कि मान लीजिए आप किसी को नहीं पसंद करते तो उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं और इतना ज़्यादा कि कुछ एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देते कुछ कामों के लिए आ, उनसे ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि ये काम करने के लिए यही लोग बने हैं जैसे कास्ट वाइज हम अदर जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस होते हैं या शेड्यूल कास्ट होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं पहले के लोग या अभी भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की मैंटेलिटी होती है कि उनको अपने बराबर नहीं सकते जबकि ऐसा नहीं सब इंसान भाई भगवान ने तो सबको बनाया है ये तो इंसान है ना कि उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग कास्ट बांट लिए भगवान ने तो किसी को ऊपर से कास्ट देकर भेजा नहीं था कि भाई तुम एस कास्ट के हो तुम जनरल हो तुम ओ हो ये तो हमने डिसाइड करके कास्ट में आर जब आए उन्होंने डिवाइड कर दिया कि हाँ चार कास्ट होंगे ये फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे उस कास्ट में जो बर्थ लेते गया जिसका जन्म हुआ वो उसी कास्ट की वजह से जानने जाने लगा पर क्या ये मैंटिलिटी सही है बच्चों आप ज़रूर अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा सो so, फॉर एग्ज़ाम्पल भी इसमें दिया है कि कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ जो अदर कास्ट होते हैं उनको जो कुआँ होता है गांव का वेल होता है वहाँ से पानी लेने के लिए भी नहीं अलाउ किया जाता यहाँ तक कि मंदिरों में बहुत सारी जगह मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है छोटे कास्ट को मतलब पहले ये सब चीज़ें पहले होती थी अब तो कॉन्स्टिट्यूशन का इतना प्रभाव है कि हाँ अगर हो सकता है कि अभी भी कहीं हो हमें ना पता चलता हो क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है हर कोने में हम नहीं जान सकती कि कहाँ क्या हो रहा है पर अगर ऐसे हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए आपको उनको समझाना चाहिए कि हम सब एक हैं और किसी के कुएँ से पानी पी लेने से मेरा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स स्पीकिंग पर्टिकुलर लैंग्वेज में बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड इनफीरियर पुअर पीपल आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंडेड बैडली बिकॉज ऑफ द इकनॉमिक कंडीशन देखिए पीपल बिलोंग टू डिफरेंट अलग जगह से रहने वाले धर्म अलग हो भाषा अलग हो इसीलिए हम उनके साथ भेदभाव करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ये इन्फीरियर है, हम हैं हमसे छोटे हैं जैसे बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है जब कोई बाहर का आ, अदर स्टेट का बंदा आता है नौकरी करने के लिए या रहने के लिए तो वहाँ की जो लोकलिटी के लोग होते हैं ना वो उसके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर का जो भेदभाव जो होता है उसको कहीं ना कहीं उसको एहसास ज़रूर दिलाते हैं वो ये भी हो सकता है कि वहाँ के अगल बगल के लोग बहुत अच्छे हैं पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके मन में ये बात आती कि अगर मैं अपने स्टेट में होता या अपने गांव में होता तो शायद ज़्यादा अच्छे से रहता या मुझे इतनी प्रॉब्लम्स ना होती तो इसीलिए देखिए है तो इंडिया हमारी नेशनलिटी तो इंडिया ही रहेगी रहने हमारी जो कंट्री है वो इंडिया ही रहेगी क्या फ़र्क पड़ता है हम किस स्टेट में रहते हैं या ये किस स्टेट में रहते हैं कहाँ से आए हैं क्या खा रहे हैं कैसे हैं दिखने में गोरे हैं कि काले हैं कपड़े कैसे पहनते हैं है तो सब इंसान ही ना सब इक्वली हैं पुअर पीपल ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड देखिए जो गरीब लोग होते हैं उनसे भेदभाव करते हैं आप गरीब लोगों को अक्सर आपने देखा होगा बच्चों की आप कहीं जा रहे हो या मंदिर वंदिर के पास जो गरीब बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो आपके सामने आते हैं मतलब भाई गरीब है भीख मांगने के रूप में आपके पास आते हैं तो लोग उनको अक्सर भगा देते हैं हम कह रहे हैं आप पैसा नहीं है मत दीजिए पैसा आप पार्ले जी भी मेरे ख्याल से दो रुपये की तो मिलती ही है अब आप उसको खरीद के दे दीजिए आप पाँच रुपये हल्ला लेके दे दीजिए मतलब ठीक है क्योंकि आप पैसा नहीं देना चाहते मत दीजिए पर कोई भी इंसान शौक के मारा तो भीख नहीं मांगेगा ना उसे भूख लगी होगी तभी शायद ऐसे और अगर वो इतना सक्षम होता तो आपके पास क्यों आता और आप इतने सक्षम हो इसीलिए शायद वो आपके पास आया है so, सो बच्चों आज हम सिर्फ ये मैंने आपको ये दो पैराग्राफ पढ़ाया है स्टीरियो हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे होपफुली आपको समझ में आया हो चलिए नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसको कल अपलोड करेंगे टिल दैट टाइम जय हिंद